इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट क्लास सिक्स में सब्जेक्ट मैटर यूनिट नंबर फाइव में ये सिंप्लीफिकेशन। टुडे वी आर डूइंग वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लीफिकेशन 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8 वी विल डूइंग। ओके क्वेश्चन नंबर वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉमन फ्रैक्शन एंड इन डेली लाइफ फेस मैनी वर्ड प्रॉब्लम। टू सॉल्व दिस वी मस्ट विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिया क्या है और वो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमने लेना क्या है, रिक्वायर्ड क्या करना है, आंसर क्या लेना है, तो सब इस पे हमने फोकस करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन कहते हैं अ शॉपकीपर सोल्ड 5 whole 1/2 केजी शुगर, 4 whole 1/4 केजी माइल्स एंड 10 3/4 केजी फ्लोर टू 3 कस्टमर। हाउ मच डिड ही सेल इन आवर। ठीक है, कहते हैं कितने केजी उसने सेल किया, टोटल केजी हमने बताने सेल के। तो आल आ गया, हाउ मच, देखिए इस हिस्से लेन आल यानी कि प्लस करना है। कहते हैं टोटल इसने तीन तरह के इसने, ठीक है ना, फ्लोर सेल किए हैं, माल सेल किए हैं और शुगर सेल किया और फ्लोर थ्री कस्टमर्स को दिए हैं। तो टोटल कितना केजी कंबाइन करके कह लिया। ठीक है, द 5 whole 1/2 केजी, 4 whole 1/4 केजी एंड 10 whole 3/4 केजी। अब होल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, पहले तो 11/2 आ गया ये, 17/4 आ गया और ये आपके पास 43/4 आ गया। अब आपके पास क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है विथ सेम। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है 2, 4 और 4 का। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम हमने ये देखें यहाँ पर लिया तो आंसर 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को हमने 4 बनाना है तीनों में। तो आप 11 के साथ यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और रिमेनिंग को 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। 22 + 17 + 43/4 तो आपके पास क्या आ गया, 82/4 डिवाइड विद 2। ठीक है, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 41/2 आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आपके पास आ जाता है 20 whole 1/2 केजी। ठीक है, 2 2s are 4 1 देन अगेन स्मॉलेस्ट और 2 0s are 0 माइनस किया तो 1 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 20 whole 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, टोटल उसने कितना केजी सेल किया, 20 whole 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं अ रूम इज 5 1/2 मीटर लॉन्ग एंड 3 1/4 मीटर वाइड, हाउ मच स्क्वायर मीटर कारपेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फ्लोर। अच्छा जी, कहते हैं कि गिवन के आपको कि एक रूम है, ठीक है, उसके लिए उसकी लंबाई कितनी है 5 whole 1/2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 3 whole 1/4। आप कहते हैं स्क्वायर कारपेट वहाँ पे करना है तो कितना कारपेट हमको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, यानी कि हमने क्या है एरिया फाइंड करना है। बेसिकली हमने फाइंड करना है कि एरिया कितना है कि उसके मुताबिक हम कारपेट ले लें। तो लेंथ ऑफ अ रूम 5 whole 1/2 मीटर, विथ ऑफ रूम 3 whole 1/4 मीटर। एरिया ऑफ फ्लोर आपके पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ, लेंथ और वेथ को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आता है 11/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब आपने फार्मूला लगा लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला लगाया आपने, मल्टीप्लाई किया, अब ये होल नंबर में इसको कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर में 11/4 और 13/4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143 आ जाता है और 4 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
टू, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 4, सो 4 टू आर 8, 11 13 आर 143। अब आपके पास क्या आ गया, 143 बाय 8। हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, 8 वन आर 8 माइनस के 6 3। अब आपके पास क्या, 8 सेवन आर 56 माइनस के 7 आ गया, 17 होल 7 बाय 8 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब टोटल एरिया कितना है, 17 होल 17 बाय 8 मीटर स्क्वायर। तो वो कितना कारपेट खरीदेंगे, 17 होल 7 बाय 8 मीटर स्क्वायर कारपेट आएगा रूम के लिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास
क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर सेवन, द प्राइस ऑफ वन डजन एग इज रुपीज 63.50, फाइंड द प्राइस ऑफ वन एग। ओके, आप देखें कितनी, वन डजन, 12 अंडों की प्राइस गिवन है, फाइंड वन एग की प्राइस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सोल्यूशन, प्राइस ऑफ वन डजन एग रुपीज 60.50, प्राइस ऑफ वन एग, वी नो वन डजन इज इक्वल टू 12 एग्स, प्राइस ऑफ वन एग इज 12 प्राइस डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल प्राइस कितनी थी, 60.50, इसको हमने 12 पे डिवाइड कर लिया, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.041, ठीक है। वन एग आपके पास आ जाएगा 5.041 का। अगर स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी गिवन हो और मान लीजिए एक क्वांटिटी, उसमें से आपको सॉल्व करनी हो वन क्वांटिटी की प्राइस, तो आप क्या करते हो, डिवीजन करते हो। अगर वन क्वांटिटी गिवन हो और ज़्यादा क्वांटिटीज आपको मांगे तो आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपके पास। तो हमने यहाँ पे डिवीजन कर ली, हमें वन एग की प्राइस मालूम हो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एट कहते हैं, आप बम्बर 24 मीटर लॉन्ग इज 0.75 पार्ट इज अबाउ द ग्राउंड एंड रिमेनिंग पार्ट इन इनसाइड द ग्राउंड, हाउ मैनी मीटर बम्बो इन साइड द ग्राउंड, ठीक है। आप कहते हैं कि एक आपके पास बम्बो मीन लकड़ी का पीस या बांस बोल लें, उसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर है, और उसका 0.75 पार्ट जो है वो अबाउ द ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो इनसाइड द ग्राउंड है। कहते हैं कितने मीटर बम्बो इनसाइड द ग्राउंड है, कितना मीटर जो है वो ग्राउंड के अंदर है वो हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में हमारे पास क्या, लेंथ ऑफ द बम्बो इज 24 मीटर, लेंथ ऑफ द बम्बो अबाउ द ग्राउंड इज 0.75 एंड लेंथ ऑफ बम्बो इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है। पार्ट ऑफ अबाउ, द पार्ट ऑफ बम्बो अबाउ द ग्राउंड इज 0.75। अब पार्ट आ है तो हमने इसको पार्ट यानी कि इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर हमारे पास, मीटर कितना है, वो जो पार्ट है वो कितना मीटर है, तो वो हमारे पास 18 मीटर आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द बम्बो इन साइड द ग्राउंड, तो वो 18 मीटर आ गया, पार्ट ऑफ द बम्बो इन साइड द ग्राउंड 24 मीटर माइनस, अब आपने क्या किया, हमने 24 मीटर में से जब 18 मीटर को माइनस कर लिया तो हमारे पास 6 मीटर आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि 18 मीटर अगर आपके पास अबाउ ग्राउंड था तो 6 मीटर बिलो इन साइड द ग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका डन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो काइंडली नोट ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग, ओके, एंड डू नीट वर्क, ओके, मस्ट सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट फॉर चेकिंग, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।